दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं। और जबकि ईद को भी जो है चंद दिन रह चुके हैं, बस अड्डों पर इस कदर रश है कि बस अड्डे खिंचा खिंच भरे हुए हैं। हर किसी की यही ख्वाहिश है कि मुझे जल्दी टिकट मिले और जल्दी जो है मैं अपने घर को रवाना हो जाऊं। जबकि दूसरी जानब रश ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से टिकट के हसूल में भी शहरियों को सख्त मुश्किल का सामना दरपेश करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे मुश्किल भी हैं कि कुछ शहरियों ने जो एडवांस में टिकट ली है उसके बावजूद भी जो है बसें जो है टाइम पर रवाना ना हो सकी है, या जैसी उम्मीदें बस से लगा रखी थी कि ना ही बस होगी, बेहतरीन एसी की हालत होगी, रमज़ान है, लेकिन बाद ऐसा भी देखने में आता है कि बसें बेहतर हालत में नहीं होती। यहाँ मैं कुछ जो है सवारियों से भी बात करने की कोशिश करूँगा जिन्होंने इस वक्त टिकट ली हुई। जी आप मुझे बताइएगा, आपने टिकट ले लिया, आपको प्रॉब्लम क्या है? जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टिकट हम पहले ले लेते हैं लेकिन हर गाड़ी में ये 10-15 सीटें होल्ड कर लेते हैं और उन पे अपनी मर्जी से ये पैसेंजर्स को बिठाते हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि एडवांस में टिकट तो दे देते हैं लेकिन हर गाड़ी में जो है सीटें छोड़ देते हैं। शायद ये ख्याल किया जा रहा हो कि ब्लैक में भी टिकटें बिक सकती हैं। और कुछ ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि टिकटों की कीमतें जो सीटें छोड़ देते हैं उनको इजाफी भेज दिया जाता है। ये सिलसिला सिर्फ यहाँ पर नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ टर्मिनल पर यह सूरत हाल देखने में आ रही है। लेकिन इंतजामिया लाहौर इंतजामिया जो है इस किस्म के हालात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। जी और अब बात मौसम की। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। तमाम मौसम की खबर देने वालों ने खुशखबरी दी है कि ईदुल्फितर के आयाम में मुल्क भर में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुल्क में प्री मानसून बारिशें शुरू हो जाएंगी।